नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि 25 लाख रुपया एक प्लॉट बेचने के बाद कैपिटल गेन 25 लाख रुपया हुआ है, तो उस 25 लाख पे या तो 5 लाख रुपया टैक्स देना है या फिर सरकारी बॉन्ड में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया जाए, जहां 5% का रिटर्न मिलता है, तो वहां कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो 25 लाख रुपया कैपिटल गेन हुआ प्लॉट और फ्लैट को बेचने के बाद, तो उस 25 लाख को 5 साल के लिए 5% के रेट पे सरकारी बॉन्ड में छोड़ दिया, तो 5 साल के बाद 31,90,000 रुपया बन गया। पर मैं आपको दूसरा तरीका ऑप्ट करने के लिए बोल रहा हूं कि 25 लाख में से 5 लाख रुपया टैक्स पे कर दीजिए। अब कितना बच गया आपके पास? 20 लाख रुपया। उस 20 लाख को अलग अलग म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, 15 साल के लिए छोड़ दीजिए। 13% के रेट से पैसा बनता है 1,25,00,000 रुपया। और यदि आपका पोर्टफोलियो 14% के रेट से डिलीवर करे रिटर्न, तो पैसा बनता है 1,42,00,000 रुपया। और यदि आपका पोर्टफोलियो लंबे समय में 15 साल में 15% के रेट से डिलीवर करे रिटर्न, तो पैसा बनता है 1,62,00,000 रुपया। जो 20 लाख रुपया टैक्स पे करने के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 15 साल के लिए किया, तो 15% के रेट से पैसा बनता है लास्ट में 1,62,00,000 रुपया। अब एक दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं कि मान लीजिए कि आपने 25 लाख रुपया सरकारी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, तो 5 साल के बाद कितना बन गया? 31,90,000 रुपया। अब जब 31,90,000 रुपया हो गया आपके पास, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आने वाले 10 साल के लिए। 5 साल तो यहां बीत गया और 10 साल के लिए अब आप म्यूचुअल फंड में छोड़ देते हैं, तो 13% के रेट से ये 31,90,000 रुपया 10 साल के बाद, टोटल 15 साल आपके पास हो गया, 5 साल यहां सरकारी बॉन्ड में रखा, फिर बाद में इस 31,90,000 को म्यूचुअल फंड में रख दिया, जहां मैं बता रहा हूं आपको, तो उस 31,90,000 का वैल्यू 10 साल के बाद 13% के रेट से 1,08,00,000 रुपया होता है। जबकि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 14% का रिटर्न डिलीवर करे, तो पैसा बनता है 1,18,00,000 रुपया, और 15% के रेट से यही पैसा बनता है 1,29,00,000 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि शुरू से अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टेड होते, तो एक जगह 1,25,00,000, 1,42,00,000, 1,62,00,000 रुपया बन रहा है 13, 14, 15% के हिसाब से। और दूसरे जगह 5 साल बॉन्ड में इंतजार किया, वहां इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा मिला, फिर उसके बाद री इन्वेस्ट किया, तो एक जगह बना 1,08,00,000, 1,18,00,000, 1,29,00,000 रुपया। तो इस तरह से आप साफ साफ डिफरेंस देख सकते हैं कि टैक्स पे करना ज्यादा बेहतर है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना लंबे समय के लिए वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। आपको इसी तरह का कैलकुलेशन जानना है यदि आपके पास प्लॉट फ्लैट बेचने के बाद कुछ एक्यूमुलेटेड पैसे हैं और उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बेहतर रिटर्न के लिए, तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप यदि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप अपने ऑफिस में, अपने यूनिट में आप हमसे गूगल मीट करा सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स के ग्रुप में भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।